So hey, what's up everybody? This is your Siraj Sirf एक और नए वीडियो के साथ वेलकम माय YouTube चैनल सेजू व्लॉग्स। तो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा क्या लिखा था, बहुत ही बेहतरीन चीज लिखी हुई थी। तो उसकी मैं थोड़ी बहुत नॉलेज देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। काफी लोगों ने कमेंट किया है, भैया सिराज भाई जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है एलिस ब्रिज के बाजू में, उसकी एक वीडियो बनाओ। तो मैंने बोला यार बना देते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके कहने पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो फुट ओवर ब्रिज पूरा, क्या लग रहा है, क्या लाजवाब लुक आ रहा है, क्या हेवी लग रहा है, इतना बड़ा ब्रिज पूरा का पूरा, ये स्टील का ब्रिज है। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आप लोगों को, थोड़ा हम स्टडी करके आए हुए हैं गूगल पे जाके। आप लोग भी जाओ तो गूगल पे जाके स्टडी कर सकते हो, वहाँ पे लिखो अहमदाबाद रिवर फ्रंट फुट ओवर ब्रिज, तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने बड़े बड़े सांचे रखे हुए। अच्छा आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पूरा का पूरा स्टील का बन रहा है, ये आप लोग देख सकते हो पूरा स्टील का बन रहा है। और पता है इसका वेट कितना है? इसका वेट तकरीबन 2100 टन, 2100 181 कहाँ से हुआ, 2100 अच्छा, 2100 टन का ये पूरा ब्रिज है, 2100 टन का ब्रिज है। और पता है इस पे खर्चा कितना हो रहा है? पता है कितना खर्चा हो रहा है? 75 करोड़ रुपया इसके ऊपर भैया खर्चा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। सिर्फ आपको पता है ये खर्चा क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे जिस तरीके से अपनी काइट फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पता है ना, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग उत्तरायण मनाने आते हैं, उसी तरीके से इंडिया गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि ये जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है इससे भी हमारे अहमदाबाद को जाना जाएगा वर्ल्ड लेवल पे। तो ये ब्रिज आप लोग देख लो काफ़ी बड़ा है, एंड में आपको अगर हो सकेगा तो वहाँ हम लोग नीचे जाके शूट करेंगे। और ये जब बनना स्टार्ट हुआ था 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ था और 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन कंप्लीट होगा इस पर ही बनाएंगे अपन रील, ठीक है? तो रील देखना हो मेरी तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, डेली की 2 से 3 रील आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ, जाके देख लो, अच्छे अच्छे फोटोज़ भी मिल जाएंगे आपको। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं अंदर जाने की, देखते हैं परमिशन मिलती है कि नहीं, काम चालू है भैया, आ जाओ। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन हम लोग नीचे नहीं जा सकते, परमिशन नहीं मिला है हमको। तो यहाँ से लुक देख सकते हो कितना लाजवाब लुक आ रहा है। तो ये किसी को बताना नहीं कि हमको परमिशन नहीं मिला है, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक भाई से बात किया लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से 2 मिनट का शूट कर लो और चले जाओ, परमिशन मिली नहीं हमको। ये लुक देख लो आप लोग कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही फाड़ू लुक लग रहा है। जब ये बन के रेडी होगा ना तो मैं आपको यहाँ पे खुद दिखाऊंगा, तो ये वीडियो के अंदर बने रहो। अभी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, नीचे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत मज़ा आने वाली है भैया, ठीक है चलो अब चलते हैं बाहर। सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम है, इसके लिए हम लोग अंदर नहीं गए और ये लोग ने जाने नहीं दिए, क्योंकि अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर जाने देते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो आप लोग देख सकते हो गाइस इसका आधा काम हो चुका है और ये 2022 तक पूरा बन के रेडी हो जाएगा, तब यहाँ पे आई थिंक इसके जो बीच में जो सांचा लगा है, बीच का जो पार्ट है यहाँ पे कांच लगेगा और ये पूरा स्टील का है। तो ये जो है इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम रोशन करने वाला ब्रिज बन रहा है गाइस, तो काफ़ी मज़ा आएगी जब ये बन के रेडी हो जाएगा, तो हम ही लोग इस पर रील वगैरह बनाएंगे। और आई थिंक इस पर टिकट लगेगी क्या अली? मुझे लगता है लगेगी, इतना खर्चा हो रहा है तो टिकट तो लगनी चाहिए। आप 75 करोड़ रुपया लग रहा है तो यार टिकट तो लगनी होती है, तो 10 रुपया रहेगा तो चले जाएंगे भैया, ना ज़्यादा टिकट रहेगा तो हम नहीं जाने वाले। टिकट का तो पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी, ज़्यादा जानकारी आप लोग को गूगल पे से मिल जाएगी, फुट ओवर ब्रिज नाम है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो है सरदार ब्रिज, उधर साइड है एलिस ब्रिज, उसके बीच में वाला ब्रिज बन रहा है। और ये सामने जहाँ से कनेक्ट हो रहा है वो वहाँ पे फ्लावर पार्क है, ये इधर साइड जो है ये फ्लावर पार्क है, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये फ्लावर पार्क से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो JCB के साथ काम हो रहा है, पूरा स्टार्ट काम चालू ही है। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट करने आते हैं, देख सकते हो फ़ोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम भी एक दो फोटो शूट कराएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस अभी हम लोग वो जो कल वीडियो बनाए थे उसकी देख रहे हो, कौवा भी परेशान कर रहा है। सो गाइस हम लोग ने कल वहाँ पे वीडियो बनाए थे, आज यहाँ पे बना रहे। कल हम लोग को एक्चुअली में अंदर जाने नहीं दिए थे, तो आज हम लोग यहाँ से शूट कर रहे हैं। ये NID वाला रूट है
और यहाँ पे ज्यादातर लोग रील बनाने आते हैं, अभी फिलहाल सुनसान है, लेकिन अभी देख सकते हो काम आधा हो गया है। मैं तो यार बहुत वेट कर रहा हूँ कि ये जल्दी बने, जितनी जल्दी बनेगी उतनी जल्दी हमारी वीडियोस जो रील हम बनाते हैं इंस्टाग्राम पे वो यहाँ पे बनेगी। तो देख रहे हो अभी बोरिंग वगैरह पानी किस तरीके से निकल रहा है, क्रेन वगैरह काम कर रही है, अभी कितनी बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है। 2021 में पूरा काम चलेगा और 2022 तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत मज़ा आएगी। तो वीडियो को लाइक ठोको। तो ये छोटी सी वीडियो थी, जिस दिन ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा उस दिन एक और वीडियो आ जाएगी, तो बहुत मज़ा आने वाली है आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वाह क्या लुक आ रहा है गाइस, देख सकते हो आप लोग, बहुत सुपर लुक आ रहा है हमारे इस ओवर फुट ओवर ब्रिज का। और यहाँ पे क्रेन से काम चालू है बहुत ही तेज़ी से, और यहाँ पीछे साइड है फ्लावर पार्क, तो वहाँ से जॉइंट होगा एंड आगे जाएंगे वहाँ एलिस ब्रिज के पास हमारा काइट फेस्टिवल होता है। तो ये चीज़ भी अहमदाबाद को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करेगी, जिस तरीके से हमारा काइट फेस्टिवल रिप्रेजेंट करता है, काइट फेस्टिवल जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है उसी तरीके से ये भी जाना जाएगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो भैया। 2100 टन है इसका वजन, 2100 टन किसको बोलते हैं, एंड 75 करोड़ रुपया लग रहा है इसके अंदर, तो बहुत मज़ा आएगी। आप लोग देख सकते हो ये है रिवर फ्रंट NID का, अभी हम लोग रील बना के ही आ रहे, तो अगर आप लोग ने रील नहीं देखी हो तो जाके देख लेना हमारे इंस्टाग्राम पे सेजू ऑफिशियल पे। ये वाला रास्ता है ना अली, ये वाला रास्ता, ये फ्लावर पार्क है, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये लोग कुछ उठा रहे वैन से, क्या उठा रहे, सलिया पाइप उठा रहे होंगे। तो यहाँ पे पूरा काम हो रहा है, इधर देखो ये बोरिंग का काम चालू था, पानी निकल रहा है वहाँ से, नीचे से पानी निकल रहा है, एंड ये पूरा भी कंप्लीट होना बाकी है, ये भी हो जाएगा कंप्लीट, बहुत ही मस्त लुक आएगा इसका।